मैदान में। जिंदाबाद 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 हुआ है वो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। एक बोतल असली और एक बोतल नकली शराब जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी हुई है सरकारी दुकानों पर बेची जा रही है। ईडी ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि अभी वो घोटाला 2000 करोड़ का है और हमको ये लगता है कि 4.5 वर्षों में लगभग हजारों करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ है जिसमें कांग्रेस के नेता संलिप्त रहे हैं। ईडी ने एक बड़े नेता को अभी जेल दाखिल भी किया हुआ है और आने वाले समय में ऐसे हजारों कांग्रेसी नेता पकड़ में आने वाले हैं। कांग्रेस की ये सरकार भ्रष्टाचार के नींव में खड़ी सरकार है और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। बहुत जल्दी सरकार को इस्तीफा देना होगा और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इस भ्रष्टाचार के को देखते हुए भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को समझता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और कवासी लखमा का आज हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया हुआ है। आगामी 3 दिन हमें लगातार इस पूरे भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुँचाने का काम करना है और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना बोलते हुए कि यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है एक भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार के साथ में ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ने को तैयार है और आगामी 5 महीने के बाद इसी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने के लिए आप सबको सौगंध लेकर जाना है और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सब सौगंध लेकर जाएं। आज के इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने जो बड़ा योगदान दिया है उसके लिए मैं पूरा महिला मोर्चा युवा मोर्चा और जिला भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को हमको अंत तक जारी रखना है। आप सभी का खूब खूब आभार।